तरह की कुंडलियां होती हैं लाल किताब में और कैसे लाल किताब की कुंडली बनाई जाती है? पंडित जी ने कहा, राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। यानी उनके ये कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी राशि हो, 1 से 12 भूल जाइए लाल किताब करने के लिए। आप पहले घर में अपने एक नंबर बिठाएंगे, यानी पहला घर जो होगा वो आपका मेष राशि से शुरू होगा। उसके बाद आपके ग्रह कहीं भी बैठे हो, जहां जहां बैठे हैं, जिस जिस खाने में बैठे हैं, उस हिसाब से आप लाल किताब की कुंडली बनाएंगे। यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं कि मान लीजिए कि भाई आपकी यहाँ पे पहले खाने में कोई भी नंबर बैठा हो, ये फर्स्ट हाउस है। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 से 12 में कोई भी नंबर बैठा हो, उसको भूल जाना है, आपने इसको पहला नंबर ही लिखना है। अब आपके यहाँ पे ये 2 नंबर आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा और ये 10 आएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। अब इसके मुताबिक जिस जिस खाने में आपकी कुंडली में ग्रह बैठा है, आपने उसको वहां बिठा देना है। मान लीजिए कि भाई ये मैं दूसरी एक कुंडली बना के आपको दिखाती हूँ कि भाई अगर दूसरी कुंडली जो आपकी वैदिक की कुंडली होती है, उस हिसाब से आप कैसे इसको बिठाओगे। ये तो हमारी 1 नंबर से 12 नंबर तक ये लाल किताब की कुंडली होगी। मान लीजिए किसी की यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा होगा, यहाँ पे 7 लिखा होगा, ऐसे करके उसके पूरे नंबर 12 तक लिखे होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का चंद्रमा बैठा है, तो आप वो चंद्रमा को यहाँ बिठाओगे 10वें घर में। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे शुक्र बैठा है या कोई और प्लेनेट बैठा है, तो आप उसको शुक्र को यहाँ बिठाओगे। तो इस हिसाब से आपने अपनी कुंडली बनानी है। यानी जो वैदिक में आपकी राशियां यहाँ आई हुई हैं, उन राशियों को भूलकर आपने 1 से 12 के घरों में ग्रह वैसे ही बिठाने हैं जैसे आपके कुंडली में बैठे हैं। इसको कहते हैं लाल किताब की कुंडली। यानी लाल किताब राशियां नहीं मानती, वो सिर्फ ग्रह मानती है और जिन घरों में वो बैठते हैं उन घरों को वो मानती है। लाल किताब में पहला घर, लाल किताब क्या कहती है कि भाई ये जो पहला घर है ये जमीन है। हर 12 जो घर हैं वो जमीनें हैं। अब वो 12 जमीनें जो हैं, किसी ना किसी ग्रह ने अपनी जमीन करी हुई है। अब उन जमीनों पे उन्होंने घर बनाए हुए हैं। अब वो जो घर है, किसी किसी ग्रह को, अपने दोस्त को उन्होंने वो घर रहने को दिए हुए हैं। तो पहले घर में जो पहली जमीन आती है, उस घर में वो जमीन मंगल को बिलोंग करती है। यानी पहली जो जमीन है वो मंगल को बिलोंग करती है। ये जो पहला खाने की जमीन है, ये मंगल की जमीन है, ये मंगल की जमीन है और मंगल ने यहाँ पे घर सूर्य का बनाया हुआ है। यानी मंगल की जमीन है और उसने सूर्य को रहने के लिए मकान दिया हुआ है। किराएदार यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सूर्य उसका किराएदार है। पहली जमीन मंगल की जमीन है और सूर्य उसका किराएदार है। ऐसे ही दूसरी जमीन जो दूसरे खाने की जमीन है, वहां पे शुक्र क्या अपनी जमीन है और शुक्र ने गुरु को घर दिया हुआ है। यानी ये जमीन शुक्र की है और शुक्र ने गुरु को घर दिया हुआ है। तीसरी जो जमीन है वो बुध की जमीन है और बुध ने ये मंगल को घर दिया हुआ है। बुध ने ये घर मंगल को दिया हुआ है रहने के लिए। चौथी जो जमीन है वो चंद्रमा की जमीन है। चंद्रमा ने कहा कि भाई मैं किसी को नहीं दे रहा, आप कोई भी आके यहाँ पे रुक सकता है।
पांचवी जो जमीन है वो सूर्य की जमीन है। सूर्य ने भी कहा कि भाई मैं गुरु को जगह देता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे घर में कोई भी आके रुक सकता है। छठी जो जमीन है वो बुध की जमीन है। बुध ने यहाँ पे केतु को मकान दिया हुआ है। सातवीं जो जमीन है वो शुक्र की जमीन है। शुक्र ने यहाँ पे बुध को मकान दिया हुआ है। आठवीं जो जमीन है वो मंगल की जमीन है। मंगल ने यहाँ पे शनि को घर दिया हुआ है। नौवीं जो जमीन है वो गुरु की जमीन है। गुरु ने यहाँ पे केतु को घर दिया हुआ है। दसवीं जो जमीन है यहाँ पे शनि की जमीन है। शनि ने कहा कि भाई मेरी जमीन पे कोई भी आके रुक सकता है, उसका फैसला मैं करूंगा। ऐसी ही जो ग्यारहवीं जमीन है वो भी शनि की जमीन है। शनि ने यहाँ पे गुरु को घर दिया हुआ है। बारहवीं जो जमीन है वो गुरु की जमीन है। गुरु ने यहाँ पे राहु को घर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जमीनें बटी। तो यहाँ पे जो जमीनें बटी उस पे जो उनके दोस्त थे वो सारे आके उसमें रुके। तो पहला स्टेप आपका ये होता है कि अपनी अपनी लाल किताब के मुताबिक कुंडली बनाएं। पूछे चेतना जी। मैम एक बार ये जो जिनकी जमीन आप रिपीट कर दोगे। पहली जमीन मंगल की है, दूसरी जमीन शुक्र की है। पहली जमीन मंगल की है, उसने सूर्य को मकान दिया हुआ है। दूसरी जमीन शुक्र की है, उसने गुरु को मकान दिया हुआ है। तीसरी जमीन बुध की है, उसने मंगल को मकान दिया हुआ है। चौथी जमीन चंद्रमा की है, यहाँ पे किसी का मकान नहीं है। पांचवी जमीन जो है सूर्य की है, उसने गुरु को मकान दिया हुआ है, गुरु रुक सकते हैं यहाँ पे। छठी जमीन बुध की है, उसने केतु को मकान दिया हुआ है। सातवीं जमीन शुक्र की है, उसने बुध को मकान दिया हुआ है। आठवीं जमीन मंगल की है, उसने शनि को मकान दिया हुआ है। नौवीं जमीन गुरु की है, उन्होंने यहाँ पे केतु, यहाँ उच्च के होते हैं तो केतु को मकान दिया हुआ है। दसवीं जमीन शनि की है, शनि ने कहा यहाँ पे आप रुक सकते हो लेकिन मेरे अनुसार चलेंगे। ग्यारहवीं जो जमीन है वो शनि की है, उन्होंने गुरु को मकान दिया हुआ है। बारहवीं जमीन जो है वो गुरु की है, उन्होंने राहु को मकान दिया हुआ है। जी शीतल जी। मैम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लास्ट क्लास में आपने बताया था कि सिक्स हाउस में बुध की जमीन है और राहु का मकान है। अभी मैम आपने केतु का बोला, सिक्स हाउस में बुध की जमीन का है, राहु केतु दोनों का वो है, क्योंकि यहाँ पे केतु का ज्यादा इफेक्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चलते। और मैम आपने ट्वेल्थ हाउस में हमें गुरु की जमीन और शुक्र का मकान बताया था। शुक्र उच्च के होते हैं वहां पे। तो मैम ये ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने केतु बोला दोबारा से, ट्वेल्थ हाउस में गुरु की जमीन और केतु का जो है वो मकान केतु का है, शुक्र वहाँ उच्च के होते हैं। तो मैम किसका मकान लिखें, शुक्र का या केतु का? केतु थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। केतु केतु। और मैम सिक्स्थ हाउस में? सिक्स्थ हाउस में जो है आप उसका मकान लिखेंगे, यहाँ पे भी बुध की जमीन और राहु केतु लिखें या केतु लिखें? राहु केतु लिख के रखें आप, उसको बताएंगे आगे चल के, क्योंकि वरना आपको बाकियों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ओके मैम। ओके मैम लास्ट क्लास से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, लास्ट में ये नोट किया। यहाँ पे आपको लास्ट क्लास से थोड़ी सी चीजें अलग भी दिखेंगी। फर्स्ट क्लास जो भी लास्ट वीक में फर्स्ट क्लास हुई थी, जो फर्स्ट, हाँ, तो उससे थोड़ी सी चीजें अलग दिखेंगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलें, इस हिसाब से आपने राशियों को
बिठाया, मतलब अपने कुंडली बनाई। अब